दोस्तों, हम सबके मन में कई सवाल आते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कौन सा है। अक्सर हम मूवी में देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से ही वॉर के दौरान दो देशों के ऊपर फायर होती है। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड की टॉप 9 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के बारे में। नंबर 1, बोइंग AH-64E अपाची गार्डियन। AH-64E अपाची गार्डियन मूल रूप से AH-64A का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको AH-1 कोबरा को बदलने के लिए अमेरिकन सेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया था। अपाची हेलीकॉप्टर ने हाल ही में वॉर देखा है। अपाची गार्डियन को मास्ट माउंटेड एंटेना के साथ अपडेटेड लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार के साथ लगाया गया है। ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर फायर एंड फॉरगेट मोड में हेल फायर टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चला सकता है। इसके सिवा फीचर्स में टारगेटिंग, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉकपिट कम्युनिकेशन, वेपन एंड नेविगेशन सिस्टम है। इस गनशिप में 30mm कैनन भी लगा हुआ है। नंबर 2, बेल AH-1Z वाइपर। AH-1Z वाइपर गनशिप जो AH-1W सुपर कोबरा से अपग्रेड हुआ है, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल US मेरीन कॉप्स करती है। यह दुनिया का पहला डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर था। वाइपर को 2010 में पेश किया गया था और 2012 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई। वाइपर 20mm 3 बैरल कैनन से लेस है, जो 16 हेलफायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तक ले जा सकता है। ये अपने साथ पॉड्स विथ अनगाइडेड रॉकेट्स और टू साइड वाइंडर फायर एंड फॉरगेट एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करता है। नंबर 3, कामोव KA-52। KA-52 एक और डेवलपमेंट है और फेमस KA-50 होक्यूम का दो सीट वाला वर्सन है। ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर रूसी सेना के साथ सेवा में आया और इसका छोटे स्केल पर प्रोडक्शन 2008 में शुरू हुआ। ये गनशिप 30mm की कैनन और 12 विकर एंटी टैंक मिसाइलों से लेस है। ये अपने साथ अनगाइडेड रॉकेट्स और ईगला भी एयर टू एयर मिसाइल्स ले जा सकता है। और खास बात है कि इस हेलीकॉप्टर को यूक्रेन में 2022 के रशियन हमले के दौरान यूज किया गया था। नंबर 4, मिल MI-28। ये भी अगेंस्ट रशिया का है। 1970 दशक के अंत में MI-28 का विकास किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर में दो हेवी आर्मोर्ड कॉकपिट्स है और ये अब तक का सबसे वन ऑफ द मोस्ट आर्मोर्ड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। MI-28 क्रू टीम के एस्केप के लिए इमरजेंसी सिस्टम भी लगी हुई है। MI-28 में 8 अटाका एंटी आर्मर मिसाइल के साथ में अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स लगी हुई है। इस गनशिप में 30mm कैनन भी लगी हुई है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के दौरान रशिया के सेना द्वारा इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 5, यूरोकॉप्टर टाइगर। यूरोकॉप्टर टाइगर को फ्रांस और जर्मनी ने ज्वाइंट रूप से विकसित किया था। ये एक मीडियम वजन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसने 2022 में सर्विस में प्रवेश किया। ये ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के साथ में भी सेवा में है। टाइगर ने अफगानिस्तान लिबाया में वॉर देखा है। इस हेलीकॉप्टर में 30mm कैनन एंड अनगाइडेड मिसाइल के साथ मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल्स लगी हुई है। नंबर 6, Z-10। Z-10 ये फर्स्ट चाइनीज डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये यूरोकॉप्टर एंड अगस्टा की टेक्निकल मदद से डिजाइन किया गया था। Z-10 का प्राइमरी मिशन है एंटी आर्मर एंड बैटलफील्ड इंटरडिक्शन। इसमें कुछ लिमिटेड एयर टू एयर मारने की क्षमता भी है। नंबर 7, डेनेल AH-2 रुई भाल्क। ये साउथ अफ्रीका का सबसे फेमस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। अफ्रीकी गनशिप हेलीकॉप्टर 16 छोटे टाउ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तक ले जा सकता है। साथ ही इसमें एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल और 70mm के अनगाइडेड रॉकेट के साथ पॉड्स भी लगी हुई है। इस गनशिप का उपयोग एंटी आर्मर, ग्राउंड अटैक, फायर सपोर्ट, एस्कॉर्ट सर्विस में किया जा सकता है। नंबर 8, अगस्टा A-129 मैनगुस्टा। ये इटली का सबसे फेमस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। A-129 मैनगुस्टा पश्चिमी यूरोप में प्रोड्यूस होने वाला पहला डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर था। 1990 में पहले हेलीकॉप्टर इटालियन सेना को दिया गया था। इसमें भी सभी तरह के वेपन्स लगे हुए थे। ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। A-129 इंटरनेशनल एक अधिक फ्लेक्सिबल मल्टीरोल मशीन है, जिसे एक अंडर नोज 20mm कैनन के साथ लगाया गया था। इसका उपयोग एंटी आर्मर, ग्राउंड अटैक, फायर सपोर्ट एंड एस्कॉर्ट रोल्स के लिए किया जा सकता है। नंबर 9, मिल MI-24। ये अगेंस्ट रशिया का एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। MI-24 फेमस एसोल्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसमें लगी गनशिप अभी भी बहुत कैपेबल है। इस हेलीकॉप्टर में हेविली आर्मर्ड स्टेपेड कॉकपिट्स और एक अंडरनोज गन टरेट लगी हुई है।
पहले भारसन में एक 23mm का ट्विन बैरल कैनन हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे 30mm ट्विन बैरल कैनन में बदल दिया गया था। अदर वेपन्स की तरह इसमें एंटी टैंक मिसाइल एंड अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स लगी हुई है।